नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे टाउटोपैथी के ऊपर, पार्ट 3। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके थे और आज पार्ट 3 में बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। मैंने आपसे जिक्र किया था पार्ट 2 सेशन में कि पार्ट 3 हम बनाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर, तो मैं आपको आज टॉप 5 एग्जाम्पल्स दूंगा कैसे हम बेहतरीन तरीके से टाउटोपैथिक मेथड को यूज कर सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। अभी देखिए, बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं कि होम्योपैथी क्या है, टाउटोपैथिक क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मेथड है टाउटोपैथी, ये होम्योपैथी से अलग भी है, सिमिलर भी है। कैसे? मुझे आज एक कॉल आया था दिल्ली से। वहां पर एक हमारे सीनियर सिटीजन थे, होम्योपैथी से बहुत लगाव है उनको, तो उन्होंने मेरे इस टाउटोपैथी के वीडियोस देखते हैं के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। कुछ उनके दोस्त थे जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर्स। उन्होंने पूछा कि सर, ये टाउटोपैथी का क्या इस्तेमाल होता है? तो उन्होंने कहा कि हमें इतना नहीं मालूम है टाउटोपैथी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि सर, आप कैसे बता सकते हैं कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेहतरीन तरीके से हो सकता है? इसका कोई रिसर्च हुआ है कि होने वाला है, मेडिसिन कुछ आने वाला है, वो मेडिसिन कहाँ मिलता है? इतने सारे, बहुत सारे उनके डाउट्स थे। तो उन डाउट को कुछ भी कुछ मैं क्लैरिफाई करूंगा आपके सामने। उनको तो मैंने जो बताना है बता दिया है, लेकिन पार्ट 3 में कुछ एग्जांपल्स देने के साथ साथ इन डाउट का भी क्लैरिफाई करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो बात है जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया था कि डिफरेंस क्या है होम्योपैथी से। अगर कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं और वो दवाई आपके जो डिजीज वाले साइंस सिम्टम्स है उससे मिलता जुलता है, जो मेडिसिनल साइंस सिम्टम्स, और उसका इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड होम्योपैथी, मतलब सिमिलिया सिमिलिफस के नेचर। टाउटोपैथी वो क्या होता है? देखिए, जो कोई भी एनिमल टॉक्सिन हो, प्लांट टॉक्सिन हो, या फिर कोई ऐसे एलोपैथी के ड्रग हो जिसके साइड इफेक्ट के कारण या फिर उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण कोई भी डिजीज का जो क्रॉनिक ट्रीटमेंट है वहां पर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहा है, मतलब प्रतिबंधक क्रिएट हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम उसी टॉक्सिन का पोटेंटाइज फॉर्म उसको दे सकते हैं ताकि वो ऑब्स्टेकल्स हट जाए। तो जो टॉक्सिन किसी इंसान में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसी टॉक्सिन्स को पोटेंटाइज फॉर्म में देना, ये टाउटोपैथिक रेमेडीज होती हैं। जबकि एक दवाई अगर साइंस एंड सिम्टम्स उसका सिमिलर हो दूसरे कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो वो होता है होम्योपैथिक रेमेडीज। अब मैं आपको इसका एक दो एग्जांपल्स दूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि आर्सेनिकम एल्बम हम यूज करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा हो, सर्दी जुकाम स्किन केसेस में, तो वो सिमिलरिटी बेसिस के अगर हम यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड होम्योपैथिक यूज। अगर किसी को आर्सेनिकम का पॉइजनिंग हो गया, आपको पता होगा आर्सेनिकम एक बहुत ही डेंजरस पॉइजन होता है, अगर किसी को उसके जो टॉक्सिन इफेक्ट होता है और उसको अगर हम पोटेंटाइज फॉर्म में यूज करें तो दैट इज कॉल्ड टाउटोपैथिक रेमेडी। तो मेडिसिन वही है लेकिन उसका इस्तेमाल दोनों तरीके में अलग अलग है। ठीक उसी तरह नक्स वोमिका का जो ड्रग होता है, क्रूड ड्रग, या फिर बेलाडोना का अगर क्रूड ड्रग होता है, उसको अगर कोई टॉक्सिक इफेक्ट होता है तो उसी इंसान में अगर हम पोटेंटाइज फॉर्म यूज करें तो दैट इज कॉल्ड टाउटोपैथिक रेमेडीज। नॉर्मली अगर उस इंसान में उस ड्रग का जो सिमिलरिटीज रहता है साइंस एंड सिम्टम्स का, दूसरा प्रॉब्लम है, तो अगर उसका इस्तेमाल किया जाए सिमिलरिटीज के बेसिस पे तो दैट इज कॉल्ड होम्योपैथिक यूज। तो चीज वही है, टाउटोपैथिक जो रेमेडीज होती है वो कोई अलग चीज नहीं है या फिर कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, किस तरह से हम उनको सेंसिटिवली यूज कर सकते हैं। और सिर्फ होम्योपैथी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे दूसरे चीज भी है जिसे फार्माकोडमिक इसलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे एलोपैथिक के ड्रग भी हैं जिनको हम पोटेंटाइज फॉर्म में यूज कर सकते हैं उन साइड इफेक्ट्स को काटने के लिए। जो कोई पेशेंट आपके पास आता है लॉन्ग टर्म उन एलोपैथिक ड्रग का यूज करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज 4-5 एग्जाम्पल दूंगा इसका, जिसको सुनने के बाद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, हमारे हिंदुस्तान के एक टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं जिनका नाम था डॉक्टर रमन लाल पटेल, उन्होंने
1960 दशक में ये एक बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर थे हमारे हिंदुस्तान के, और उन्होंने टाउटोपैथी का जो ये साइंस है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप कर लिया था और अपनी क्लिनिकली यूज भी कर रहे थे। जो उनके क्लिनिकली केसेस है उन्होंने प्रेजेंट किया था एक किताब के जरिए, तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। फॉर द एग्जाम्पल जो उन्होंने सबसे टॉप मोस्ट लिखा है क्लोरोमाइसिटिन 30। अभी देखिए उनके क्लिनिक में उन्होंने जिक्र किया है केस का जो आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है आंखों के, क्लोरोमाइसिटिन लॉन्ग टर्म का इस्तेमाल करने के बाद उसका जो साइड इफेक्ट होने के कारण अगर कोई इंसान आया है, तो उन्होंने इस्तेमाल किया था क्लोरोमाइसिटिन 30। दूसरे जो होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद उनका कोई रिजल्ट नहीं आया था। अंत में उन्होंने जब केस टेकिंग किया, हिस्ट्री लिया, तो उन्होंने देखा कि वो इंसान में लॉन्ग टर्म तक वो क्लोरोमाइसिटिन जो एलोपैथिक ड्रग है एंटीबैक्टीरियल उसका इस्तेमाल किया था और जो ड्रग का साइड इफेक्ट उनके बॉडी में आने वाला था, तो ड्रग के साइड इफेक्ट को काटने के लिए उन्होंने इसका 30 पोटेंसी का इस्तेमाल किया। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला उनको, और जो होम्योपैथी के इस्तेमाल करने से उनका क्योर नहीं हो रहा था, ये क्लोरोमाइसिटिन 30 उसका पोटेंटाइज फॉर्म यूज करने के बाद वो पूरा क्योर हो गया था। ठीक उसी तरह और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फोविस्टर करके, वॉरेन के थे, तो उन्होंने भी कुछ अपने किताबों में एग्जाम्पल्स दिया है टाउटोपैथी का, उन्होंने भी अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर किया है किताबों के जरिए। तो उन्होंने एक कहा था कि केस उनके पास आया था 45 की उम्र का एक इंसान, एक पेशेंट, उनको क्रॉनिक रिमाटिज्म था, बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था लेकिन कोई उनका इफेक्ट नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने देखा उसका कुछ केस टेकिंग किया जाए, केस टेकिंग के दौरान उनको पता चला कि जब उनका जन्म हुआ था उनकी माता जी को सीवियर क्लोरोफॉर्म का इफेक्ट आया था, उसका क्लोरोफॉर्म का पॉइजनिंग हो गया था। क्लोरोफॉर्म देने के बाद उनका जन्म हुआ था और उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है माँ और बच्चे दोनों के ऊपर पड़ा था। तो उन्होंने जब ये हिस्ट्री सुना तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए, क्लोरोफॉर्म 30। उन्होंने क्लोरोफॉर्म का पोटेंटाइज फॉर्म यूज किया और बढ़िया रिजल्ट मिला। रिमाटिज्म पल भर में, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, 2 साल से वो दवाई दे रहे थे लेकिन विद इन 1 to 2 मंथ उनको रिजल्ट मिल गया और 80 to 90% उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक उसी तरह और एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि एक औरत जिनको सीवियर रिंग वार्म और जो स्किन प्रॉब्लम थी बहुत सीवियर हो गया था, दूसरे बहुत सारे दवाइयों का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था लेकिन कोई उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने जब सर्च किया कि उनका हिस्ट्री क्या है, तो उन्होंने जाना कि वो जो औरत थी, जो पेशेंट थी, उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में टॉन्सिलाइटिस के लिए, जो टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है उसके लिए एक मेडिसिन आता है सल्फा पायरेडिन, उसका बहुत सारा इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने फिर उसका इस्तेमाल करना चाहा, उसको सल्फा पायरेडिन को 30 पोटेंसी का जो इस्तेमाल दवाई के रूप में उनके ऊपर किया, बढ़िया रिजल्ट आया उसका स्किन डिजीज के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस उन्होंने भी जिक्र किया है और एक दो केसेस मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे भी और भी लेखक है हमारे, राइटर्स है, फॉरेन राइटर्स हैं, उन्होंने भी जिक्र किया है। जैसे कि किसी को अगर जो अस्थमाटिक का अटैक है, सल्फर फ्यूम्स जो बोलते हैं सल्फर, कुछ ऐसे केमिकल्स टॉक्सिन के इफेक्ट के कारण होता है, तो वहां पर सल्फर यूज कर सकते हैं आप उसके साइड इफेक्ट्स को काटने के लिए। और एक फॉरेन का ऑथर है, उन्होंने दिया था कि एक 4-5 साल का लड़का है जो उनके पास आया था, उसको कंटिन्यूस यूरिनेशन हो रहा था, इनवॉल्टरी यूरिनेशन, उसके साथ साथ जलन और दूसरे प्रॉब्लम भी थे, बहुत सारी दवाएं उन्होंने दे दी थी लेकिन नो इफेक्ट एट ऑल। तो उन्होंने जब उसका केस हिस्ट्री लिया तो उनको पता चला कि जब वो लड़का अराउंड 1 से 2 साल का था, लगभग 1-2 साल का था, तो जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है, आपको पता होगा टर्पेंटाइन यूज होता है जो पेंट में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है पेंटिंग करने के लिए, वो टर्पेंटाइन ऑयल उनके घर में था और बाई एक्सीडेंटली उसने उसको पी लिया था कुछ, और उसका टॉक्सिक इफेक्ट भी आया था, फिर उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी हुआ था लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से ही उनका सारा प्रॉब्लम आ गया था, ये जो यूरिन वाला जो प्रॉब्लम था। तो उन्होंने उसको नजर रखते हुए जो टर्पेंटाइन ऑयल से जो हमारा होम्योपैथिक ड्रग बनता है टेरिबिन थी ना, आपको पता होगा, उसका 1 ml का सिंगल डोज इस्तेमाल करना चाहा और वो देने के बाद
यूरिन का जो भी प्रॉब्लम था बहुत ही जल्दी उनका रिलीफ मिल गया। तो मेडिसिन तो वही है लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। मैंने जो टाउटोपैथिक मेथड को जो ये वीडियो बनाया है, बहुत सारे लोग देख के कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या नया चीज आ गया है। फ्यूचर साइंस है, मैंने बोला है, हाँ फ्यूचर साइंस है, लेकिन होम्योपैथिक को कुछ अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में वो सारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन आज चल रहा है वो इफेक्ट करेगा ये कुछ गारंटी नहीं है। हमें कुछ हटके देखना पड़ेगा। आगे जाकर इसके ऊपर और भी बहुत सारे रिसर्च होना बाकी है। बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं जिनके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है, प्रूविंग नहीं हुआ है, वो होगा। और बिल्कुल आने वाले दिनों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, अगर किसी कारण से वो रेमेडी काम नहीं किए, ऐसा भी हो सकता है। मैंने बहुत अपने पहले की वीडियो में कहा है कि अगर आपको कोई डिजीज का को क्योर करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यूज करना होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ फैक्टर्स आते हैं, ऐसे भी कुछ पॉजिटिव थिंग्स होते हैं जो ऑब्स्टेकल्स करते हैं कोई क्रॉनिक डिजीज को क्योर करने में। तो उस ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, उस चीज को हटाने के लिए हमें इन टाउटोपैथिक रेमेडीज का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर पटेल ने भी इसके ऊपर कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को देने के साथ साथ हमारे जो ये टाउटोपैथिक रेमेडी होते हैं उनको लोअर पोटेंसी में हम रिपीट करें साथ साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं कुछ खास जो एलोपैथिक ड्रग के या फिर कुछ पॉइजन के, कुछ टॉक्सिन्स के, वो हट जाते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो बखूबी काम करता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे आई थिंक सो कि ऐसे जो एग्जाम्पल्स है हम किस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी एलोपैथिक ड्रग हो या फिर कोई एनिमल प्लांट जो टॉक्सिन है वो इफेक्ट पैदा करता है, गलत प्रभाव डालता है किसी इंसान के ऊपर, तो उसी चीज को अगर हम पोटेंटाइज फॉर्म में उसको दे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आप सबको भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो कंफ्यूज ना होइए, होम्योपैथिक टाउटोपैथिक दोनों एक ही है लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कीप शेयरिंग ऑल माई वीडियोस। और आने वाले दिनों में ये टाउटोपैथिक जो मेथड है बहुत ही आगे प्रोग्रेस करने वाला है, होम्योपैथिक को आगे जरूर लेकर जाएगा ये मेथड। आप लोग जरूर इसको याद रखिए। और अगले जो पार्ट में मैं कुछ और ऐसे मेडिसिनल इफेक्ट, कुछ ऐसे खास मेडिसिन मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो देखते रहिए सारे वीडियोस शुरुआत से लेकर अंत तक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल।